तो ये देखिए व्यूअर्स, पाकिस्तानी जो रिश्ते, ये देख सकते हो आप, बोटिंग चल रही है आर पार। पाकिस्तान के कितने करीब है ये देख सकते हो आप, काफी करीब है हम पाकिस्तान के, बस थोड़ी सी नदी है बीच में। तो ये देखो, इसको कहते हैं जी, इस जगह को अठमकाम पाकिस्तान। लाहौर 740 किलोमीटर, पिशावर 474 किलोमीटर। ये देखिए जी ब्यूटीफुल कश्मीर। ये देखिए जी अभी हम कहाँ पहुँचे, ये देखो जी क्लाउड्स टच कर रहे हैं ट्रीज को। देखिए व्यूअर्स, अभी हम इस वाली लोकेशन पे पहुँचे हैं, हमें आज जाना है केरन वैली में, आपको कराना है आज हमने टूर। ये देखिए अभी हम इस वाली लोकेशन पे पहुँचे हैं, इसको कहते हैं पथरा 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 पथरा। नाउ वी आर इन पथरा। ये निकल गए हम अभी पथरा से आगे की ओर, आज हम आपको केरन वैली का टूर करा रहे हैं, तो बने रहे व्लॉग में, काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार व्लॉग है। तो अभी हम पात्रो पहुंचे हैं, पथरा के बाद आता है पात्रो, ये नेक्स्ट लोकेशन है जहां से हम केरन जाएंगे। ये देख सकते हो इसका व्यू, ये देख सकते हो पात्रो, वेलकम टू पात्रो, यहाँ से स्टार्ट होता है पात्रो। तो चलिए बने रहे व्लॉग में। देखिए जी कितना खूबसूरत वाटरफॉल है यहाँ पे, आप देखते हैं, ये देखिए जी यहाँ पे कहाँ कहाँ बसती है, ये देखो लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं, ये देख सकते हो अब, ये है इनके घर, काफी हाइट में रहते हैं। ये देखो जी कोई रास्ता नहीं इनको, कोई कुछ नहीं, ऐसे आते हैं उतर के इन पहाड़ों से, काफी हाइट पे रह रहे हैं। इस ब्रिज के वजह से इसको नाम पड़ा है डेड ब्रिज, और ये आर्मी जोन है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा शूट नहीं कर पाएंगे, आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा। फिर लड़कियाँ इस तरीके से लकड़ियाँ लाती हैं जंगल से, ये देखो कितनी खूबसूरती से इन्होंने बांधा हुआ इनको, ये देखिए यहाँ से रोड काफी खराब है। तो व्यूअर्स अभी हम पहुंचे मंडियां, ये देखो यहाँ पे बस्ती कहाँ है, पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं। ये देखो मेरा जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है ये आज, तो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देख सकते हो आप, सामने देख सकते हो आप, वो है जी पाकिस्तान की पहाड़ी, वो देखो जहाँ पे बर्फ़ है, ये पाकिस्तान है पूरा। तो अभी हम आपको वहाँ भी लेके जाएंगे, फिलहाल आप यहाँ का व्यू चेक कर सकते हो। क्या बोलना चाहोगे इस जगह के बारे में? इस जगह के बारे में क्या बोलूँ, यहाँ पे तो पहली फर्स्ट टाइम मेरा आना है। यस, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट बांग्लादेशी हु कैम टू मंडिया। हां, कांग्रेट्स टू हियर विथ माय वाइफ। यस, सो आई एम टू मच एक्साइटेड टू वॉच दिस प्लेस, दिस इज केरन वैली। केरन वैली, केरन वैली, दिस इज कॉल्ड मंडिया। मंडिया, व्हाट से अगेन? मंडिया, मंडिया। हां, बांग्लादेश में ऐसी कोई लोकेशन है? कोई नहीं, कोई ऐसा लोकेशन तो कश्मीर में ही मिलता है। हाँ, बांग्लादेश में होता है ना, तो बांग्लादेश कश्मीरी होता है। तो अभी हम पहुंचे हैं नीलम वैली, इसको कहते हैं, इस जगह का नाम है नीलम वैली, केरन के एंड पे आता है बॉर्डर पे। तो सामने में आपको पाकिस्तान का टूर करा रहे हैं, ये देखो जी पाकिस्तान, ये सारा एरिया जो है, ये घर जो है, ये पाकिस्तान के है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हम आज पाकिस्तान लाए देखने वाले हैं। तो माशाल्लाह देखिए जी व्यूअर्स, सामने पाकिस्तान है, यहाँ पे आज हम कैंपिंग करने वाले हैं, आपके लिए सरप्राइज था, यहाँ पे आज हम कैंपिंग करने वाले हैं और आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए व्लॉग में बने रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। आप सब जानते हो हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं इन सारी चीज़ों के। तो ये देख सकते हो आपको मैंने आज पाकिस्तान दिखाया है, वो सामने वो सारे बिल्डिंगें जो है नदी के उस पार पाकिस्तान है, इस साइड हम हैं, ये देखो ये जी हमारे लोग, और नदी के उस पार है पाकिस्तानी लोग, ये देख सकते हो आप, ये सारा एरिया पाकिस्तान है। वाओ माशाल्लाह, ये है दरियाई नीलम जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। ये देखो जी माशाल्लाह कितना काफ़ी खूबसूरत बहाव है इसमें, और पानी भी बहुत ज़्यादा है, इसको दरियाई नीलम कहते हैं। और ये जो बस्ती है, ये जो इलाका है पास में, इसको नीलम वादी कहते हैं,
जो ऊपर का एरिया है ये देख सकते हो आप, ऊपर ऊपर का जो एरिया है इसको कहते हैं अठ मुकाम, इसका नाम है अठ मुकाम। जो नीचे हैं ये दरिया के किनारे, तो ये है जी नीलम वैली, उस साइड हमारा यहाँ से हो गया कैरन, ये है कैरन सेक्टर ये वाला, ये सब हैं हमारे लोग, और उस साइड हैं जी पाकिस्तान के लोग। ये देखो ये बिल्डिंग है वगैरह सब पाकिस्तान, इस साइड पहाड़ पाकिस्तान के हैं, ये वाले हमारे साइड हैं, ये हैं हम, और ये है जिस अपोजिट पाकिस्तान हैं एक दूसरे की। इस वाली वाइट वाली हमारी है और रेड वाली उनकी है, ये देख सकते हो आप। पार्टी चल रही है अभी जूस वूस की, ये देख सकते हो। देखो रिवर्स कितना खूबसूरत सीन है, ये देखो आप पानी पहले कहाँ से जाता है, फिर ये रोटेट करके वापस आ जाता है, फिर देखो यहाँ से चला जाता है, इसका सेम प्रोसेस है यही। ये देखो ये बस रोटेशन में ही रहता है, बाकी दरिया देख सकते हो आप काफ़ी ब्यूटीफुल है। और तो ये देखिए व्यूअर्स पाकिस्तानी टूरिस्ट, ये देख सकते हो आप बोटिंग चल रही है आर पार, देख सकते हो आप माशाल्लाह काफ़ी बढ़िया सीन है। ये देखिए जी है जी हमारे लोग इस साइड, ये हमारा एरिया और अपोजिट जाओ पाकिस्तानी, ये देखो ब्यूटीफुल लग रहा है। ये है हमारा एरिया, ये देख सकते हो आप कैंपिंग चल रही है। हाँ ये सदाबहार नगमे चल रहे हैं अभी इस टाइम। ये देखिए जी यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये है जी हमारे यहाँ पे होटल्स, और ये देख सकते हो आप हमारे गेस्ट्स वगैरह यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। देखो वहाँ जी क्या चल रहा है, ये पाकिस्तानी गर्ल्स बच्चे खेल रहे हैं, होटल है काफ़ी अच्छा, रेजिडेंशियल एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, काफ़ी अच्छा बैठने की जगह है होटल के सामने। ये देख सकते हो सब्जी बन रही है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या बना रहे हो और कहाँ से, यहाँ से ही हो, लोकल हो यहाँ के, त्राल से आए हो? ये देखो जी हमारे टूरिस्ट त्राल से आए हुए हैं कैरन वैली घूमने के लिए, ये देख सकते हो इनका खाने पीने का अरेंजमेंट सब वहाँ पे लगा हुआ है, अभी कुछ सब्जियाँ रेडी कर रहे हैं ये। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान, ये देखो कितना खूबसूरत, ये देखो जी कितना ब्यूटीफुल माशाल्लाह, ये देखो मस्जिद।